नमस्कार सर। सर हम आपके गांव में कई बार आ चुके हैं लेकिन आपसे हमारे वार्तालाप नहीं हो पाई, लेकिन इस बार आप हाथ लगे हो, मतलब मिले हो हमें। और सर मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपके परिचय की तो ज़रूरत नहीं है आपको, मुझे तो लगता नहीं शायद कोई चेहरा होगा ना जानता हो, क्योंकि आपके गाने ने आपको बहुत आगे तक पहुँचा दिया। सर अभी 15 अगस्त का त्यौहार आ रहा है, इसको लेकर कोई सॉन्ग है अपने पास, कोई आ रहा है अपना? 15 अगस्त की हम तैयारी कर रहे थे लेकिन हमारा शेड्यूल नहीं बन पाया गाना रिलीज करने का, क्योंकि अभी राजस्थान के चुनाव को लेकर थोड़ी तैयारी चल रही है नवंबर में, उसमें भी जीता। लेकिन 15 अगस्त के लिए मैं अपने गांव को और पूरे देश को एक ही मैसेज दूंगा कि कामयाब हों, पढ़े युवा, पढ़े अपना काम करें, आगे बढ़ें और अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और बड़ों के कदमों पर चलें और गलत काम ना करें जैसे कि दारू नशा वगैरह, ये मैसेज देना चाहूँगा। सर जैसे कि आपने पीछे से गाना बनाया था RLD आई रे, सर इसे बनाने का उद्देश्य क्या था अपना? जैसे कि RLD, पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान इस गाने ने दिया है और इतना बड़ा हिट हो गया है, तो दिल से शुक्रिया मेरी पूरी ऑडियंस का, जनता का, जिसने प्यार दिया, सम्मान दिया। इस गाने का मकसद ये था कि मैं भी एक किसान फैमिली से आता हूँ, एक छोटे से गांव से जोया, और सर पहले से ही, सर ये जोया गांव कहाँ पड़ता है आपका? ये जोया गांव पड़ता है हमारा जिला गाजियाबाद और तहसील है मोदनगर ब्लॉक भोजपुर जी, नेपाल जोया गांव है हमारा। और इस गाने को ये कि हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और पहले से ही हम अगर किसानों की बात करते हैं तो हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग सब चौधरी चरण सिंह के किस्से हमें बताते थे कि चौधरी साहब ने ये किया किसानों के लिए, चौधरी चरण सिंह ने किया, तो मैं इस लाइन में आया। फिर एक किसान परिवार से हूँ, फिर मैंने देखा किसानों का आंदोलन भी हुआ, किसानों परेशान थे जो चौधरी चरण सिंह जी बना के गए थे, वो सब चीज़ें ख़त्म होने लगी, तो क्यों ना एक गाना चौधरी चरण सिंह की पार्टी RLD पे बनाया जाए। तो मैं चौधरी अजीत सिंह से मेरी फर्स्ट टाइम एक बार मुलाकात हुई थी, तो मैंने उन्हें बताया मैं ऐसे ऐसे गाने लिखता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है आप बनाओ और मुझे सुनाओ। फिर मैं उनको दिल्ली गया सुनाने के लिए, लिखा तो तब तक लिखा ही था, फिर मैं लिखने के बाद उसको रेडी करके ले गया और चौधरी अजीत सिंह से रिलीज़ करवाया। फिर दुख है इस बात का कि आज दुनिया में नहीं है, लेकिन वो गाना इतना बड़ा हिट हो गया। सर उस गाने के क्या आप दो चार बोल सुना पाए, सुना देंगे? जात पात न छोड़ बात भाईचारे की आई रे, मजदूर किसान की बात में लचक आई रे, RLD आई रे। सर इसके बाद नेक्स्ट गाना कौन सा आ रहा है, क्या आ रहा है? इसके बाद पार्टी एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के ही हनुमान बेनीवाल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनका गाना आ रहा है, वो इसी महीने रिलीज होगा। और बहुत ही जैन चौधरी जी से मीटिंग है और उनका एक गाना रिलीज होगा जिंदाबाद RLD, जो हम चुनाव से 2024 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले हम उसको रिलीज करेंगे। और एक गाना 2024 से पहले ही चुनाव के लिए भी मार्गी का चंद्रशेखर रावण जी के लिए भी रिलीज होगा। सर और आप सभी देश और क्या संदेश दोगे देशवासियों से? दूंगा कि स्वस्थ रहें और सेहत पर ज़्यादा ध्यान दें, नशे की चीज़ों से दूर रहें और बड़ों का सम्मान करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया। सर एक बार मैं कहना चाहूँगा, हम आपके गांव में आ रहे थे और हम जोया पूछ करके मुरादाबाद जोया पहुँच गए, वहाँ पता लगा कि आप इस जोए के नहीं हो, फिर हम कंफ्यूज हो गए, बहुत दुखी हुए, पता लगा कि भाई जोया ये गाजियाबाद ज़िले में, तब जाके हम गाजियाबाद में पहुँचे। अच्छा, चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप।